कि वो राष्ट्र देश की आत्मा को कुचल दिया गया था। भारत में लोकतंत्र संविधान के पन्नों से पैदा नहीं हुआ है, भारत में लोकतंत्र सदियों से हमारी आत्मा है। इस आत्मा को कुचल दिया गया था, देश के मीडिया को दबोच दिया गया था, देश के महापुरुषों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था, पूरे हिंदुस्तान को जेल खाना बना दिया गया था। और सिर्फ किसी की सत्ता चली न जाए इसलिए। आज है 25 जून 2020 और ये जो संसद भवन की फोटो है ये हमें बहुत कुछ आज के दिन के बारे में याद दिलाती है, जिसे भारत की प्रजा कभी नहीं भूल सकती। और कई लोग तो इस दिन के लिए इसके द्वारा कहते हैं कि लोकतंत्र की सत्य में हत्या हुई थी। तो क्या है आज के दिन का महत्व, जानेंगे हम आज के आपके अपने चैनल स्टडी ट्यूब में। स्वागत है आपका, मैं प्रशांत आपको ले चलता हूँ 1975 की टाइम ट्रैवल में। नेशनल इमरजेंसी उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा डिक्लेयर की गई थी, जो कि 21 महीने यानी कि तकरीबन 2 साल तक चली थी। और 2 साल का पीरियड नेशनल इमरजेंसी जैसी महाभयावह चीज़ के लिए कम नहीं होता। जानेंगे कैसे और क्यों लगाई गई थी ये नेशनल इमरजेंसी। 1975 से 1977 के पीरियड में ये लगाई गई थी। नेशनल इमरजेंसी कैसे लगती है, क्यों लगती है, पहले ये हम जानेंगे। नेशनल इमरजेंसी जो है वो भारत के संवैधानिक आर्टिकल 352 के अंडर आती है, जो कि कोई एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर का भय हो तभी, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस का भय हो तभी ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। पर यह इमरजेंसी जो है 1975 की, वो हम पर क्यों थोपी गई, इम्पोज क्यों किया गया, वो हम जानेंगे आज। ऑफिशियली इश्यूड जो डेटा है उसके हिसाब से हम जाने तो उस वक्त के प्रेसिडेंट फारूक फखरुद्दीन अली अहमद ने अंडर द आर्टिकल 352 हो ये इमरजेंसी लगाई, ये कहकर कि भारत सरकार को इंटरनल डिस्टर्बेंस का भय है। और ये जो इमरजेंसी है वो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 यानी कि तकरीबन 2 साल के लिए लगी थी। और वो इमरजेंसी पीरियड को भारत के कई लोग लोकतंत्र की हत्या या फिर सबसे कॉन्ट्रावर्शियल पीरियड मानते हैं भारत की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री का। तो ये जो इमरजेंसी है यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिखाई आ जा रहा है, उस वक्त के न्यूज़पेपर्स में ये बताया गया था कि मोरारजी देसाई या फिर अडवाणी और जो हमारे वाजपेयी भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, उन सबको ऐसे महत्वपूर्ण ऑपोजिशंस के लीडर्स को उन्होंने कैद कर लिया था। और ये जो इमरजेंसी है उसमें न्यूज़पेपर्स और प्रसार माध्यमों को भी इन्होंने बख्शा नहीं था, वो भी गवर्नमेंट के अंडर आ चुके थे। इसीलिए आज की प्रजा कहती है कि वो इमरजेंसी को भूला नहीं जाता। तो क्या ये पहली बार भारत में लगी थी इमरजेंसी? जी नहीं, इससे पहले भी लगी हैं और कई बार लगी हैं, पर ये इमरजेंसी कुछ ज़्यादा ही भयावह थी। इससे पहले जो है इंडो चाइना वॉर हुआ था 1962 में, उस वक्त पर लगाई गई थी। उसके बाद 3 दिसंबर 1971 को ये भारत पाकिस्तान वॉर के वक्त लगाई गई थी। और उसके बाद ये 25 जून 1975 को और 21 मार्च 1977 तक लगाई गई थी। कहते हैं सेक्युलर वर्ड क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, वो तो शायद आप सब जानते हैं सेक्युलर की परिभाषा, पर ये क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। जो ये सेक्युलर वर्ड है वो 46 में, याद रखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में लगाया गया था इमरजेंसी के दौरान, जब सारे हमारे विपक्ष कैद में थे या फिर भाग चुके थे, अंडरग्राउंड हो चुके थे, तभी इन्होंने ये लगाया था। इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को कई लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जगह पे इंदिरा भी बोलते हैं। आया वह बहुत ही खतरनाक चित्र के बाद 1978 में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री रहते एक और 44वां अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके तहत बहुत से चेंजेस किए गए नेशनल इमरजेंसी एक्ट में। जो जाना जाएगा वो है कि एक ही महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा, विद इन अ 1 मंथ लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये बिल अप्रूव होना चाहिए और उसी के बाद नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आशा करता हूँ कि जाना होगा बहुत कुछ और आगे शेयर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलेंगे अगली बार कुछ नया टॉपिक लेकर, आपके लिए कुछ नई ज्ञान की बातें लेकर। मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत। जय माँ भारती, वंदे मातरम।